हिजबुल्ला युद्ध के बीच अब और खलबली मचने वाली है। मिडल ईस्ट में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान अब बदले की आग में धधक रहा है, मगर ईरान चाहकर भी इसराइल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसकी वजह है इसराइल के पीछे अमेरिका का खड़ा होना। लेबनान हिजबुल्ला संघ युद्ध के बीच इसराइल और अमेरिका ने मिलकर मिडल ईस्ट में महायुद्ध की तैयारी कर ली है। अमेरिका इसराइल के समर्थन में खुलकर उतर चुका है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि हर हाल में वो इसराइल का समर्थन करता रहेगा। अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी हिफाजत करेगा। इसके लिए पूरी अमेरिका ने अपनी सेना और एयरक्राफ्ट करियर को पश्चिम एशिया की ओर मोड़ दिया है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की हत्या के बाद ईरान और इसराइल के बीच जंग की आहट सुनाई दे रही है। ईरान अब इसराइल से बदला लेने के मूड में है, मगर अमेरिका के एक ऐलान ने ईरान को सख्ते में डाल दिया है। अमेरिका ने अपनी सेना को मिडल ईस्ट में तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत और बढ़ा दी है। अमेरिका ने इस इलाके में और सैनिक भेज दिए हैं और साथ ही कुछ और सैनिकों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट करियर भी इस इलाके में तैनात कर दिया है, क्योंकि यहाँ और जंग भड़कने की आशंका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को एयरक्राफ्ट करियर USS अब्राहम लिंकन और उससे जुड़े विध्वंसकों को क्षेत्र में ही बने रहने का आदेश दिया है। एक महीने पहले ही इन्हें प्रशांत क्षेत्र में तैनाती के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर इनका रुख मिडल ईस्ट की ओर कर दिया गया है। ये निर्देश ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही USS हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपने निर्धारित क्रूज के लिए वर्जीनिया के अपने होम पोर्ट से रवाना हुआ। इससे इस बात की संभावना है कि गर्मियों के बाद दूसरी बार मिडल ईस्ट में दो दो अमेरिकी विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट करियर तैनात होंगे। इतना ही नहीं, पेंटागन ने भी ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका एडिशनल एयर सपोर्ट भेजेगा और USS वॉस्प एम्बिशियस रेडी ग्रुप पूर्वी भूमध्य सागर में ही रहेगा। एम्फीबियस जहाज USS न्यूयॉर्क और USS ओक हिल के साथ साथ हजारों मरीन शामिल हैं, जो जरूरत पड़ने पर लेबनान के नागरिकों को निकालने का काम कर सकते हैं। वास्प जो तट पर छोटी नावों को लॉन्च कर सकता है, मरीन द्वारा उड़ाए जाने वाले F-35B लड़ाकू विमानों से भी लैस है। ये जरूरत पड़ने पर मिलिट्री प्लानर्स को एक अतिरिक्त हवाई ताकत भी प्रदान करता है। दरअसल अमेरिका का ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इसराइल से बदला लेने के लिए हमला कर सकता है। इसराइली फोर्सेज ने लेबनान में शुक्रवार को हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को मार गिराया था। इस हमले के बाद से ही मिडल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच जो बाइडेन ने हसन नसरल्ला की हत्या को सही माना है और इसराइल की पीठ थपथपाई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से वो बात करेंगे और उनका मानना है कि पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध से बचा जाना चाहिए।